step at your home. So student, पिछली बार हम पढ़े थे क्लास सिक्स हिंदी ग्रामर चैप्टर वन भाषा लिपि और व्याकरण. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू वर्ण विचार. सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्लास वर्क देंगे, आज का डेट देंगे. तो आज हम पढ़ेंगे 31 वर्ण विचार फोनोलॉजी. भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं. ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं. प्रत्येक भाषा की कुछ निश्चित वर्ण होते हैं जिन्हें जोड़ जोड़ कर शब्द बना लिए जाते हैं. वर्णों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं. तो स्टूडेंट, वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं. भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं. ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और प्रत्येक भाषा की कुछ निश्चित वर्ण भी होते हैं जिन्हें जोड़ जोड़ कर शब्द बना लिया जाता है. वर्णों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण को ध्वनि भी कहा जा सकता है. वर्ण को दो भागों में भाग किया गया है. वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण. हम सब पहले से ही जानते हैं किसे स्वर वर्ण कहते हैं और किसे व्यंजन वर्ण कहते हैं. जैसे स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है. हिंदी के स्वर हैं जैसे हवा मुख से बिना रुकावट से मुख से बाहर आती है, जैसे अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ. बॉल, डॉक्टर जैसे अंग्रेजी के बहुत से शब्द हिंदी में आ गए हैं. अतः अ ध्वनि को हिंदी वर्णमाला में ग्रहण कर लिया गया है. इसे आगत स्वर कहते हैं, जैसे फुटबॉल, डॉक्टर.